अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, मैं हूं शफी बेंगलोर से। तो आज देख सकते हैं ये आज हमारी टीम है, ये ताब भाई हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और ये हमारा सेटअप अभी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और थोड़ा लेक का व्यू भी बताता हूँ। आज खासकर ये हम कार फिशिंग के लिए आए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देख सकते हैं लेक का व्यू। आज संडे है तो उस वजह से बहुत सारे नेटिंग हुआ है यहाँ पे और सेंटर में ये थोड़ा हमें गैप मिला है, तो देखते हैं आज क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेटिंग है जो वहाँ पे बॉटल दिख रहा है और राइट साइड में भी पूरा यहाँ पे नेटिंग है, बस ये गैप मिला है हमें। तकरीबन एक 10 रॉड तो हो जाएगा, देखते हैं आज क्या होता है। और बस इसमें थोड़ा वो कार फिशिंग का सेटअप रहेगा, जैसे फीडर फिशिंग और एक सेटअप रहेगा फ्लोट फिशिंग। तो ज़रूर गौर से पूरा वीडियो देखिए, उसमें मैं थोड़े ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ आज जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उस हिसाब से। तो ये देख सकते हैं कि आज भी बहुत लोग को पता नहीं है स्पॉट बॉम्ब जो फीडिंग के लिए यूज़ होता है, तो तब भी तो फीडिंग के लिए बस ऐसे आप तो फीड कर सकते हैं। बहुत आसान है फीडिंग के लिए, खासकर ये क्योंकि तो हाथ में जब हम थ्रो करते हैं ये टूटने का चांस होता है, तो ऐसे फीडिंग करते हैं फीडिंग के लिए बहुत काम आता है। पर ये फीडिंग के लिए आपको तकरीबन 50 mm के ऊपर लाइन चाहिए जो आप सही से फीडिंग कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा लॉन्ग कास्ट नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो बहुत आसान है फीडिंग के लिए। और जितना आप सराउंडिंग में गेम करते हैं उतना तक आप वो फीडिंग करके उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जैसे पानी में ही जाता है, जैसे पानी में जाके पड़ता है तो सीधे ये खुल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट फीडिंग करते हैं। ये देख सकते हैं एंगलर चॉइस का जो ट्रस्टेड है, पहले से भी बहुत सालों से हम इस पर खेलते हुए आ रहे हैं, तो जितने में बनता है उतने से कम आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये खासकर कटला का फीड है कटला के लिए। और बाकी रिजल्ट्स देख के आप चाहिए तो ले सकते हैं या तो आप खुद भी बना सकते हैं, वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है। तो ये देख सकते हैं अभी हम इसमें 2 किलो बेट ऐड करेंगे, 2 किलो बेट और इसमें ब्रेड क्रैम एक्चुअली वो पाउडर करना है, शायद बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस मैं बताता हूँ ऐसे ही। ये हो गया
तो फीड ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो, आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। 1 किलो फीड हो गया, तो इसमें हमें ऐड करना है 1 ब्रेड क्रम्ब पूरा पाउडर करके इसमें मिक्स करना है। तो चलिए हम शुरुआत के लिए कर लेते हैं, बाद में बताएंगे। कट करवा वीडियो। तो फाइनली फीड तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा मिक्सअप करने के बाद आपको हल्के से पानी इसमें देना है, ज़्यादा नहीं, हल्के से। तो खासकर फीडर, और बहुत लोग पूछते हैं कि हुक बैट या तो हुक्स के लिए बहुत सारा पूछते हैं, लेकिन खासकर ये फीड है सिर्फ फीडर के लिए, पॉपअप रिग सेटअप के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एंगलर चॉइस का पॉपअप रिग सेटअप। तो हल्के से इसको यहाँ पे लगाना है ताकि वो कास्टिंग के समय बढ़ने से ना हो। तो चलिए फाइनली सेटअप रेडी हो चुका है, फर्स्ट कास्ट करके हैं, देखते हैं। ऑलमोस्ट डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। अभी अर्जेंट के लिए सेटअप कर लेंगे, बाद में पूरा क्लियरली उसको सेटअप कर देंगे। तो नेक्स्ट सेटअप है हमारा टाइम पास के लिए फ्लोट फिशिंग। तो फ्लोट फिशिंग के लिए खासकर मोनो लाइन सबसे बेस्ट होता है, तो हर बार मैं लाइन चेंज नहीं कर सकता, उस वजह से मैं ग्राइडेड लाइन पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया स्टॉपर। तो ये स्टॉपर पूछते हैं कैसे यूज़ करना है, तो ये स्टॉपर को आप लाइन यहाँ से लेना है, तो ये स्टॉपर खींच लेना है, तो ये स्टॉपर अपने लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया अपने लाइन में, तो ये स्टॉपर है। और उसके बाद आपको यूज़ करना है एक बीट, जैसे ये वाला, तो ये वाला बीट आपको यूज़ करना है। तो ये आके रुक जाता है अपने स्टॉपर के पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉपर के पास आके रुक गया। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये वाला फ्लोट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फ्लोट आके रुक गया। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे स्टॉपर, अभी नॉर्मल हम फ्लोट जो बांधते हैं सीधे यहाँ पे इसे नॉट डाल के बांधते हैं, तो तकरीबन 10 फीट 5 फीट 5 फीट ही रख लीजिए, 20 फीट हो या 10 फीट, तो क्या होता है टिप के एंड में आके रुक जाता है, तो उतना डेप्थ कास्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्टॉपर के वजह से अपना डेप्थ जितना भी 10 फीट 20 फीट जितना भी डेप्थ हो उतने तक आप अपने फ्लोट आराम से, क्योंकि ये टाई करने के बाद, तो टाई करने के बाद ये फ्लोट कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ। टाई करने के बाद आपका फ्लोट आ जाता है आपके हुक के पास, तो उसी वजह से वो बहुत काम की चीज़ है जो ये वाला सिस्टम का फ्लोट यूज़ करते हैं। तो बहुत लोग को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी बोल सकता है। तो ये हो गया हमारा हुक। तो अभी नॉट पूछेंगे कौन सा नॉट आप यूज़ किए थे, लेकिन नॉट्स बहुत सारे हैं, अपने टेक्निक के हिसाब से आप नॉट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसी नॉट को आप यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने टेक्निक के हिसाब से आप अपना नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल लूँगा। ये नॉट हो गया, और हमें यहाँ पे
यूज़ करना है। नेट जो रोड के हिसाब से हमें नेट यूज़ करना है। तो आगे नेट सिम कर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्निक के हिसाब से। तो ये हो गया, ये आ गया नेट। ओके, अभी प्लेयर वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, तो पूरा नेचुरल सेटअप ही करना पड़ेगा कि तो ये हो गया हमारा लेड। तो इसको लॉक कर लीजिए, जितने पे आप रखना चाहिए उतने पे आप लॉक कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है, ये सबसे बेस्ट रहेगा इतना साइज। और ये फ्लोट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कास्टिंग में आपको बहुत हेल्प करता है, कास्टिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। और इसका डेप्थ सिस्टम होता है ये वाला स्टॉपर, तो ये वाला स्टॉपर आपको डेप्थ सिस्टम होता है। जैसे आप 5 फीट रख लो, 6 फीट रख लो, 10 फीट रख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, ये तैयार हो गया हमारा फ्लोट फिशिंग का सेटअप, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो फाइनली पूरा सेटअप हो चुका है। तो जैसे मैं बताया था नेटिंग, पूरा नेटिंग है, फिर भी लक बोल नहीं सकते, देखते हैं। तो ये पूरा सेटअप हो चुका है, टोटली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 रॉड्स हैं। अभी फ्लोट फिशिंग की भी तैयारी हो रही है, देखते हैं क्या लक होने वाला है। कप हुआ है, कैटफिश, कैटफिश हुकअप हो गया है। चलो कुछ भी हो, पहला हुकअप है। तो ये देख सकते हैं कैटफिश, फर्स्ट में लगा है कैटफिश फ्लोट फिशिंग पे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है, कुछ भी हो स्टार्टिंग के लिए चलता है। इसे निकालते हैं ऊपर। रोल अप कर लेता है, हाँ।
फोटो ले। तो ये देख सकते हैं, ये बाइट बाइट जो है नॉर्मल है, बस ब्रेड है, ब्रेड पाउडर पाउडर करके इसमें वेनिला एसेंस और हल्के से ये केसरी पाउडर, और इसमें यूज़ किया गया है गुड़ का पानी, जो गुड़ का पानी बोलते हैं, जैसे बेल्ला बोलते हैं, उसको थोड़ा हल्के से बॉईल करके, क्योंकि खासकर कार्प को स्वीट बहुत पसंद है, तो उस वजह से वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेट। तो चलिए देखते हैं, कोशिश तो कार्प का था लेकिन कैटफिश लगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट जो भी है सब अच्छा ही है। तो देखते हैं, कंटिन्यू हुआ, कट कर दो, बोले नहीं जलेबी तले दिया। तो चलिए, जैसे बात कर रहा था वैसे ही आ गया। कट करवा लो। अरे चारा बन डाल। तो ये देख सकते हैं, आफ्टरनून का टाइम है, 3 PM 3 PM हो रहा है। यूसुफ हमारे बहुत मेहनत पड़ रहे हैं। यूसुफ भाई इंशाल्लाह, ये तो ये मेरा बेटा हंस रहा है, ये मेरा न्यू पार्टनर जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, तो ये हमारे ताप भाई। तो चलिए, कोशिश तो जारी है, 3 PM है, क्योंकि आफ्टरनून हम थोड़ा रेस्ट लिए, अभी गेम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे वो स्पॉट चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस था, बहुत डिस्टरबेंस मीन्स इतना डिस्टरबेंस, पूरा पब्लिक बहुत डिस्टरबेंस कर दिया, तो इसीलिए वहाँ से निकल के लेक सेम है, बस पॉट चेंज किए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे कुछ लक हो जाता है तो ज़रूर वीडियो कंटिन्यूस होगा, या तो जो जितना हम कैचेस किए हैं उतना ही अपलोड होगा। तो चलिए देखते हैं जो भी होता है। अब हाय, ये मेरा बेटा है और ये मेरा न्यू स्टाफ फारूख, और ये हमारे ताप भाई पुराने पार्टनर, और ये तो रहा मेरा यूसुफ। हर समय मेरे साथ रहता है।